राधे राधे दर्शकों, कैसे हैं आप लोग। कल है पुत्रदा एकादशी और आपको पता ही है कि एकादशी जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट होती है। और आपको पता है कि महीने में दो बार आती है एकादशी, और एकादशी पर, और वो भी एकादशी जो सावन के महीने में, आपको पता है कि सावन का महीना जो है रक्षाबंधन भी जाकर खत्म होगा, और सावन के महीने की पुत्रदा एकादशी अगर किसी को बच्चे ना होते हो उसके लिए तो वरदान है। आपने क्या करना है, छोटे से उपाय तो मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, लेकिन आपको क्या करना है कि आज के दिन छोटे छोटे बच्चों को आपने कुछ ना कुछ खाने की चीजें जो है वो जरूर देनी है। छोटे छोटे बच्चों को खाने की चीजें, जैसे मंदिर के बाहर आपको छोटे बच्चे दिख जाते हैं, चाहे वो लड़कियां हो चाहे लड़के हो, वो आप जरूर दीजिए। श्री विष्णु हरि का ध्यान लगाइए, क्योंकि सूर्य भगवान को सुबह सुबह उठ के जल चढ़ाइए और श्री विष्णु हरि का ध्यान लगाइए, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप मन ही मन जो है आप करते रहिए, क्योंकि विष्णु हरि आपके जीवन की समस्त मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। आपके पुत्र जो है, अगर आपके बच्चे वैसे तो पुत्रदा एकादशी है तो आपके बच्चे नहीं होते हैं, तो चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पुत्री हो, बच्चे एक आधा बच्चा तो हमारे पास होना जरूरी है। तो पुत्रदा एकादशी पर आपने क्या करना है, श्री विष्णु हरि को हल्दी की माला, 11 हल्दी की माला वाली जो मैं आपको बताती हूँ गांठों वाली माला जो है जरूर बनानी है। और आज के दिन जो है आपने चने की दाल थोड़ी सी उनको अर्पित करके आनी है, और साथ में ब्राह्मण के बस पैरों को छू करके, मैंने आपको बता रखा है कि सारे हाथों में लगा लीजिए अपने हल्दी, और ब्राह्मण के पैरों को छू करके उनसे आशीर्वाद दीजिए, उनके पैरों पे हल्दी जो है वो लग जाए, और अपने माथे पर लगाइए उनके पैरों का जो आपने आशीर्वाद लिया है, और उनसे खूब अच्छे तरीके से, और भगवान विष्णु के भी आपने हल्दी वाले हाथों, और फूल लेने हैं आपने, दो फूल लेने हैं, जैसे गेंदे के फूल ले लीजिए उसको हल्दी में डिप कर लीजिए, और भगवान विष्णु के फूलों पर, फूलों से हल्दी लगाकर उनके पैरों पर जो है आप करिए, उससे अभिषेक कीजिए, बहुत ही बढ़िया आपको रिजल्ट आएगा, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में कितना चमत्कार होगा। जिनके बच्चे जो है बिगड़ रहे हैं, बच्चे सुधर नहीं रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, वो लोग भी आज ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप जो है वो करते रहिए। बच्चों को हल्दी का तिलक लगाइए, आप भी आज के दिन हल्दी का तिलक जो है भगवान हरि विष्णु को लगाइए, और खुद भी लगाइए। ये छोटी छोटी सी चीजें होती है, ज्यादा बड़े बड़े काम नहीं करने होते हैं हमें। आज किसी गरीब व्यक्ति को आप राशन का सामान कुछ भी दे दीजिए, और उस राशन के सामान में पीला पीला सामान होना चाहिए। किसी बुजुर्ग ब्राह्मण को आज के दिन आप 1.25 मीटर पीले रंग का कपड़ा, और साथ में या तो पीले रंग का तौलिया, या फिर साथ में जो है 5 लड्डू बेसन के जो है वो जरूर खिलाइए। इससे भी आपके जीवन में बहुत बहुत उन्नति होगी और आपके जीवन जो है वो सुखमय हो जाएगा। तो और आज के दिन जो है श्री कृष्ण जी के मंदिर में जाकर, या किसी मंदिर में जहाँ पर कृष्ण जी की मूर्ति हो वहां पर एक बांसुरी, अगर आप सक्षम है तो चांदी की बांसुरी, और अगर सक्षम नहीं है तो लकड़ी की बांसुरी, वो भी प्रिय है श्री कृष्ण जी को, तो वो भी आप चढ़ाकर आए। और किसी ऐसे पीपल के पेड़ की परिक्रमा ले, और उस पर एक कच्चा सूत हल्दी से पीला करके अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए अगर आप बांध कर आएंगे तो आपके जीवन में बहुत ही सुख शांति और समृद्धि आएगी। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो मैं आपको वक्त वक्त पर बताती रहती हूँ, लेकिन आपको पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो। और थोड़ा लेट हो गया वीडियो का, लेकिन आप सभी लोग जो है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। आप सभी को जो है एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप सभी बड़े बुजुर्गों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमन, राधे राधे।